हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संयम छाजड़ है और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोटेकी। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोर्स प्रेशर सेंसर को आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड उसको कनेक्ट करने के बाद कैसे आप अपना खुद का प्रोजेक्ट जो है वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली ये जो वीडियो है ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स प्रेशर सेंसर होता क्या है, कैसे काम करता है एक्सेट्रा। देन सेकेंड सेक्शन में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके कनेक्शंस पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। देन थर्ड सेक्शन में हम लोग उसी प्रोजेक्ट को कोड करेंगे एंड देन उसका कोडिंग वाला पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन फोर्थ सेक्शन में हम लोग उस प्रोजेक्ट को चला कर देखेंगे और उसके बेसिक आस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो जो है वो आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जिनके साथ भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं। ऑल्सो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स प्रेशर सेंसर होता क्या है। ओके, सो फोर्स प्रेशर सेंसर एक इस तरीके का सेंसर है जिसपे कि जब आप कोई मैकेनिकल लोड, टेंशन, वेट या प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो जो सेंसर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये कुछ इस तरीके का सेंसर दिखता है और वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत ही सिंपल है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे देन इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, क्योंकि इसमें खुद का करंट तो होता नहीं है। तो इस केस में ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये चेंज होता है एंड उसके बेसिस पे हम लोग पता करते हैं कि कितना प्रेशर, कितना फोर्स जो है वो इस पर अप्लाई किया है। तो ये होता कैसे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इस सेंसर को इस तरीके से प्रेस करोगे या उस पर एक प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। जब आपने कोई प्रेशर नहीं लगाया है तो रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा और जब आपने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो वेरी होगा। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली फोर्स सेंसर को फोर्स सेंसिंग रेजिस्टर भी बोलते हैं और ये दोनों जो नाम है ये कॉमनली यूज होते हैं। तो यूजुअली टेक्निकल भाषा में इसको फोर्स सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं। आप जब भी नेट पे सर्च करोगे तो आपको शायद FSR शब्द देखने को मिलेगा, बट नॉर्मल जनरल भाषा में इसको फोर्स सेंसर बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के फोर्स प्रेशर सेंसर या फोर्स सेंसर मार्केट में आते हैं। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा परचेज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो इस तरीके का ये सर्कुलर वाले ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बाकी आप अलग अलग अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फोर्स सेंसर परचेज कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। पहला है ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूज़, तो जहाँ पर आपको स्केल्स जैसे कि जहाँ पर मेजरमेंट और ये सब करना होता है तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन एविएशन इंडस्ट्री में ऑटो पायलट मोड फिनोमेना होता है, वहाँ पर इस सेंसर को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर प्रेशर को मेज़र करने के लिए ये सेंसर यूज़ होता है। देन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में MRI मशीन जो होती है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। एंड वैसे ही कमर्शियल एप्लीकेशंस लाइक टॉयज़ या एक्सेट्रा, इनमें भी इसे इस तरीके के सेंसर्स को यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है लेकिन इस सेंसर को और भी अलग अलग तरीके से बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग एक जो है वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। आई एम श्योर आप रेडी होंगे मेरे साथ। सो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट है फोर्स बेस्ड LED लाइटअप, जहाँ पर आप जितना फोर्स प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे आपकी LEDs ग्लो होगी। आई एम श्योर आपने ये गेम या तो देखा होगा या शायद खेला भी होगा, तो हम इसी गेम को जो है वो आज डिज़ाइन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर हम कनेक्शंस पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो जस्ट आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी कनेक्शंस जो है वो कर दिए हैं सारी चीज़ों के। मैं आपको एक एक करके सारे कनेक्शंस ईजिली समझा देता हूँ सो दैट आप भी इसी तरीके से अपने कनेक्शंस कर पाएँ। ठीक है, तो कनेक्शंस करना बहुत आसान है। ये इतने सारे कंपोनेंट ज़रूर दिख रहे हैं बट इनको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट्स की रिपोजिटरी है वहाँ से एक एक करके सारे कंपोनेंट्स ले लेने हैं। ठीक है, हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्डुइनो बोर्ड। तो यहाँ पर आपको आर्डुइनो यूनो बोर्ड दिख जाएगा, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले लीजिएगा। देन फिर एक ब्रेडबोर्ड, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो सब हम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो आप ब्रेडबोर्ड लेकर या इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। फिर देन हमारे प्रोजेक्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट फोर्स प्रेशर सेंसर, तो आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए फोर्स सेंसर आपको इस तरीके से मिल जाएगा और तीन LEDs जब भी यूज़ करते तो साथ में रजिस्टर्स यूज़ करते तो तीन रजिस्टर्स
और एक फोर्स प्रेशर सेंसर के साथ एक और रेजिस्टर। अब सबसे पहले हम LEDs के कनेक्शन देख लेते हैं। सो LED में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हमने पिछले वीडियो में जहां पर LED को सिर्फ कनेक्ट करके उसको प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने क्लियरली आपको ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो LEDs के कनेक्शन में हमने पॉजिटिव वाले साइड को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके उसको आर्डिनो की एक डिजिटल पिन पे कनेक्ट किया है। कोई भी डिजिटल पिन पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 13 नंबर की पिन ली है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बाकी दो LEDs के भी पॉजिटिव को यहाँ पे रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है एंड यहाँ पे उसको 9 और 6 नंबर की पिन पे रिस्पेक्टिवली कनेक्ट किया है। अगर आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो मेंशन कर दिए। आप एक एक करके वो वीडियोस देख लीजिए, आपको आई होप सभी कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आसान भाषा में उसको समझाया हुआ है। तो ये हो गई पॉजिटिव साइड का काम। नेगेटिव साइड होता है यानी कि जो कैथोड साइड होता है, वो सारी LEDs का हमने कॉमन रखा है। तो यहाँ पर हमने सभी को एक कॉमन लेन में कनेक्ट कर दिया है और फिर बाद में जाकर आप देख रहे हो ये ब्लैक वायर को इस कॉमन लेन से जाकर मैंने इस ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। तो ये तो बात हो गई मेरी ब्रेडबोर्ड की और स्पेसिफिकली हमारी LEDs और रेजिस्टर की। अब बात करते हैं फोर्स प्रेशर सेंसर की। तो हमने वर्किंग के टाइम जाना था कि फोर्स प्रेशर सेंसर बेसिकली एक तरीके का रेजिस्टर ही है कि जिसको आप अपने यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका जो है वो रेजिस्टेंस वेरी होता है। और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आर्डिनो के साथ हमको एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पे पिन नंबर 1 पे एक रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे रजिस्टर को कनेक्ट करके और उसे जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है एंड देन जो एक पिन है जो बीच में जो वोल्टेज डिवाइड एक्चुअली जहाँ पर होगा वो वाली पिन को हमने एनालॉग सेक्शन के A0 पे कनेक्ट किया। आप चाहो तो A0 से लेकर A5 पर किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। और जो सेकेंड नंबर का जो पिन है उसको हमने पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया यानी कि 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। आप चाहो तो ये दोनों कनेक्शंस को इंटरचेंज भी कर सकते हो यानी कि 1 के कनेक्शंस 2 पे कर सकते हो और 2 के 1 पे भी कर सकते हो क्योंकि फोर्स प्रेशर सेंसर की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आ गई होगी एंड ये जो पूरे कनेक्शन है ये क्लियर होंगे। चलिए अब हम चलते हैं कोडिंग वाले सेक्शन पे। तो ये जो है ये वीडियो का थर्ड सेक्शन है जहाँ पर हम कोड बनाना सीखेंगे। सो कोड करने के लिए आपको यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर जो अगर बना बनाया कोड है तो आप बिन में डाल सकते हैं। नाउ अब हमें पता है, हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा है कि जब भी हम कोई सेंसर यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे वेरिएबल सेक्शन में और यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल क्लिक करना है। तो अभी मैं किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकता हूँ, ABC XYZ, पर मेरा जो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि मैं सेंसर के नाम से ही वेरिएबल बनाता हूँ। तो या तो आप फोर्स के नाम से बना सकते हो, प्रेशर के नाम से, या तो फिर सेंसर के नाम से जनरल वेरिएबल बना सकते हो। तो ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हम ये वाले ब्लॉक को ले लेते हैं सेट सेंसर, यानी कि ये वेरिएबल जो है वो क्या स्टोर करेगा। तो हमने वेरिएबल में क्या स्टोर कराना है, यहाँ पर हमें A0 पिन पे जो भी रीड हो रहा है वो सब स्टोर कराना है। तो हम जाएंगे इनपुट में रीड एनालॉग पिन A0। तो जो भी एनालॉग पिन A0 पर रीड हो रहा होगा वो सब कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ये सेंसर नाम के वेरिएबल में। नाउ अब हमें यह देखना है कि वेरिएबल में क्या क्या स्टोर हुआ है। तो हम यहाँ पर उसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट टू सीरियल मोनिटर। अभी फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लेकिन हमें क्या करना है, जो भी स्टोर हुआ है सेंसर नाम के वेरिएबल में वो सब प्रिंट कराना है। तो हम वो यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, कितने टाइम इंटरवल के बाद, एक एक सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद। तो अब यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। यहाँ पर आपको सीरियल मॉनिटर दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको एक एक करके वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी हर एक सेकंड के इंटरवल पे। अभी फोर्स कुछ भी नहीं लगाया है तो वैल्यू 0 आ रही है। जैसे ही फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यूज़ भी बढ़ते जाएगी। आप चाहो तो ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर लो कि सबसे कम वाले पे कितनी वैल्यूज़ आ रही है, लेट से 53, बीच वाले पॉइंट पर 275 एंड सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे आ रही है 466, क्योंकि अब हम इस वैल्यू के बेसिस पे लॉजिक हमारा आगे का लगाएंगे। कोड करने के लिए हमें ये बोलना होगा कि अगर वैल्यूज़ इतनी हुई तो ये LED ऑन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये करने के लिए हम इफ़ वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं और इफ़ ब्लॉक के साथ हम एक ये डायमंड ब्लॉक यूज़ करते हैं कि इफ़ सेंसर नाम का वेरिएबल उसकी वैल्यू अगर
एक्सटेंड होती है किससे, 50 से, तो हमारी जो है वो एलईडी नंबर कौन सा ऑन होगी, पिन नंबर 13 पे जो फर्स्ट एलईडी है वो ऑन होगी। तो हम यहाँ पे 13 सेलेक्ट कर लेते हैं कि पिन नंबर 13 ऑन हो जाए, और साथ ही साथ बाकी जो दो एलईडीज़ है वो ऑफ़ रहे। तो पिन नंबर 9 पे जो एलईडी है वो भी ऑफ रहे, इसे हम लो कर देते हैं, एंड पिन नंबर जो 6 पे है एलईडी वो भी ऑफ है। सो अभी से टेस्ट कर लेते हैं पहले इतने वाले कोड को। ये देखिए अभी वैल्यू 0 है तो इसलिए कोई भी एलईडी ऑन नहीं है, जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी, और ये अभी 42 पे है इसलिए एलईडी ऑन नहीं है, 50 से ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये देखिए पहली एलईडी ऑन हो जाएगा। नाउ सेम लॉजिक को हम रिपीट करते हैं हमारे बाकी दो एलईडीज़ के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना है और एक ब्लॉक और डुप्लीकेट करना है। अब जब वैल्यूज जाएगी 200 से ऊपर तो देन हमारी कितनी एलईडीज ऑन जाएगी, दो एलईडी ऑन हो जाएगी, और जब वैल्यू जाएगी 400 से ऊपर तो हमारी तीनों एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। चलिए टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए अभी वैल्यू यहाँ पर जो है फोर्स 0 है तो इसलिए कोई भी एलईडी ऑन नहीं है। फोर्स बढ़ाते जाऊँगा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, एक एलईडी, फिर जब और फोर्स बढ़ाऊँगा दो एलईडी, और जब और फोर्स बढ़ाऊँगा तो तीनों एलईडी। तो फोर्स के हिसाब से हमारी एलईडी ऑन हो रही है, यहाँ पे हमें लाइव वैल्यूज़ मिल रही है। तो दोस्तों जस्ट टू रैप अप, हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि फोर्स प्रेशर सेंसर होता क्या है, कैसे काम करता है एक्सेट्रा, उसके बेसिक्स के बारे में जाना। देन हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जहाँ पर हमने देखा कि फोर्स प्रेशर सेंसर आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट होता है, साथ ही साथ अलग अलग कॉम्पोनेंट जो है वो उनके कनेक्शंस कैसे होते हैं। फिर हमने कोडिंग वाले पार्ट को एक्सप्लोर किया जहाँ पर हमने आर्डिनो बोर्ड को जो है वो कोड किया फोर्स प्रेशर सेंसर के अकॉर्डिंग, एंड देन लास्ट में हमने उस प्रोजेक्ट को चला कर देखा और हमें जैसे आउटपुट चाहिए थे वैसे हमें सक्सेसफुली मिल रहे थे। सो आई एम श्योर आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। अगेन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों को इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों दैट्स इट, अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसको आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।